बहुत दिन हो गया पेरू में घूम रहा हूँ, पेरू में मेरे 2 महीने हो गए हैं, कोलंबिया में मेरे 2 महीने हुए थे, अभी उसके बाद पेरू में 2 महीने हुआ है। क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि मैंने लीमा में अप्लाई किया था शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया है नेदरलैंड एम्बेसी में, और उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं वीज़ा प्रोसेस होने में। तो उसी वजह से मैं था लीमा में, मेरे को लगा लीमा में रहता हूँ 2-3 हफ्ते क्या होगा, बट लीमा में वेदर बहुत ख़राब था, अभी विंटर चल रहा है और लीमा में सूरज था ही नहीं, पूरा कोहरा ही कोहरा, एकदम डार्क सा वेदर था, तो मेरे को लीमा जमा नहीं। तो मैं पेरू के नॉर्थ में आ गया, क्योंकि नॉर्थ जितना जाओगे उतना इक्वाडोर के पास आएगा, और जितना इक्वाडोर के पास आएगा उतना गर्मी रहेगी। तो हम लोग नॉर्थ में आ गए, ये जगह है त्रुहीरो शहर में आ गए, एक रात की बस थी, और यहाँ पे आ गया बीच। पानी बहुत ठंडा है, स्विम नहीं कर सकते क्योंकि है तो विंटर ही ना, समर होता तो फिर शायद स्विम कर लेते, तो उसी वजह से हम लोग बस चिल करने आए हैं। और ऐसा बीच उतना साफ सुंदर है नहीं। पैसिफिक ओशन में स्वागत है आप सबका, और स्वागत है आखिरी बार के लिए पेरू में त्रुहीरो, और उसके बाद हम लोग जाने वाले होरास, जो कि एक पहाड़ों का शहर है, जो आपको देखा है इस वीडियो में, और कंप्लीट करेंगे पेरू का जर्नी। वीज़ा के लिए वेटिंग था तो लगे हाथ 2-3 एक्स्ट्रा शहर भी दिख गए, क्योंकि एक जगह बैठ के मन नहीं लगता। फिलहाल आप लोग ये वीडियो एंजॉय कीजिए, और इस वीडियो के बाद मिलेंगे अगले कंट्री में। By the way, ये बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी का बोट है, कहा जाता है कि इसी बोट को देखते देखते सर्फ बोट बनाया गया था। ये ज़्यादा साल टिकते नहीं है, और यहाँ पे बैठ के लोग फिशिंग करने जाते हैं। इसका नाम क्या है मैं पूछ के बताऊँगा अपने होस्ट और दोस्तों के साथ। उतना खास है नहीं, उधर क्लिफ्ट है, और थोड़ा पुराना सिटी, ओल्ड सिटी कुछ कुछ वगैरह है। तो हम लोग एक दो शहर और देखेंगे, फिर पेरू से निकल जाएंगे। बट जितना दिन है एक जगह पर बैठने का मन नहीं करता है, एक्सप्लोरर हूँ, खूब एक्सप्लोरिंग है, तो एक जगह पे एक हफ्ते से ज़्यादा रुकता हूँ तो लगता है नहीं अगले जगह चलते हैं। तो आगे त्रुहीरो, जिसके बारे में कोई प्लान ही नहीं था, लिटरली मैं मैप्स में देख रहा था कि लीमा के ऊपर कौन सा जगह है, त्रुहीरो दिखा, कॉल सर्विस में रिक्वेस्ट डाला और आ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बोट, नेम ऑफ द बोट? तो तोतोरा बोट है इसका, यहाँ का स्पेशलिटी। कोई तो चला नहीं रहा, हाँ कुछ लोग सर्फिंग कर रहे उधर। सी पर सो मछली ले लो, सी नदी ने के। और जैसा आप लोगों ने लीमा में देखा था वैसे ही जितना नॉर्थ जाओगे, इधर ऊपर एक और शहर है प्यूरा मंकोड़ा, इधर बहुत सर्फिंग का चल है क्योंकि पैसिफिक के वेव्स बहुत अच्छे होते हैं सर्फिंग के लिए, तो यहाँ पे भी लोग सर्फिंग कर रहे हैं, मज़ेदार है ना। और पानी बहुत ठंडे है, ठंडे में सब वेट सूट पहन के सर्फिंग कर रहे हैं उधर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? पिकरन, इट्स फॉर 4 सोल्स राइट? तो एक एक का 20 रुपए, 5 सोल्स, 5 सोल्स, एस 400 सोल, 400 सोल्स, 5 सोल्स, white tax, you just paid a white tax. No, we just paid this plate, 1 sol for this plate. इनके साथ घूम रहा हूँ तो हर जगह पे थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, मैं लेता हूँ 1 सोल में, ये लोग देते हैं 1.5 सोल। और फिर हम लोग घर आ गए, ये अपना होस्ट का घर। जनरली मैं आज तक दिखाता नहीं अपने होस्ट का घर या फिर ये सब एक्सपीरियंस, क्योंकि सेम चीज़ है तो मैं ज़्यादा शहर दिखाता हूँ, बट फिलहाल कुछ कुछ टाइम में दिखाना बनता है। अभी मैंने आज इन लोगों ने बनाया है थोड़ा पुलाव और चना मसाला, सब खाने वाले हैं। मैं जब भी घर में खाता हूँ हाथ से खाता हूँ, और सबको अपना देसी खाना खा के बहुत मज़ा आता है, बहुत सब तो इतना तारीफ करते हैं कि मेरे को शर्म आता है। तो खाना बनाना सीख लो और जिंदगी के मजे डबल हो जाएंगे। ला इंग्लिसिया दे जीसु क्रिस्तो दे लॉस सांतोस दे लॉस उल्टिमो दियास। बड़ा सा एक पार्लियामेंट टाइप का हाउस लग रहा है, पर ये कह रहा है कि पार्लियामेंट टाइप का नहीं, ये है एक चर्च।
यहाँ पे ट्रुहीरो में, और स्पेनिश में लिखा है जीसस क्राइस्ट का चर्च है, मरे हुए संतोष का कुछ ऐसा कुछ लिखा है। आप कहोगे राजा ठंड में टोपी क्यों पहना है, धूप तो नहीं है, धूप के खोज में आया था यहाँ पे, धूप ही नहीं है, चारों ओर सिर्फ बादल ही बादल, पूरे देश में बादल ही बादल। टोपी इसलिए पहना हूँ क्योंकि जो ठंड है वो सर में लगता है और दर्द होता है, फिर इसकी वजह से ठंड में भी टोपी पहनना ज़रूरी है। हम लोग टोहियो में फिर से एक दूसरे दिन निकल गए हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने, और बस तो विशाल पार्क लग रहा है, पार्क के आर्कियोलॉजिकल साइट पता नहीं, चल के देखते थोड़ा बहुत। बहुत ज़माना हो गया पार्क में आए हुए। यहाँ पे आके अभी मेरे को बोला कि वीडियो रिकॉर्ड मत करो, पेरू में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आके बोला है वीडियो रिकॉर्ड मत करो, वरना पेरू में तो वीडियो ड्रोन वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। ये मेरे को लग रहा है कि सब सिमेट्री है, मरे हुए का लाश इधर, कब्रिस्तान है ये, सांता एलेना, सांता कारा, ये और ये सब बॉडीज लग रहे हैं मेरे को उधर। ऐसा मेरे को मेक्सिको में दिखा था, अर्जेंटीना में भी दिखा था ऐसा, और अभी भी दिख रहा है। ये सब लाशें हैं मेरे को जितना लग रहा है, यहाँ पे सारे लाशें हैं, हाँ डेट्स लिखे हैं, नाम लिखे हैं। ये पूरा कब्रिस्तान है और ऊंचा नहीं किया हुआ है मिट्टी के लेवल पे, अलग है, इंटरेस्टिंग है। तो पुलिस आके मेरे को बोला भाई वीडियो रिकॉर्ड मत कर, चिल कर, वीडियो रिकॉर्ड मत कर। तो मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई, पेरू में तो हर जगह पे वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तुम लोग वहाँ पर कैसा खास है। तो ये एक्चुअली प्राइवेट सिमेट्री है, प्राइवेट सिमेट्री, लोगों का पर्सनल सिमेट्री है, तो वीडियो रिकॉर्ड अलाउ नहीं था, और कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको रेस्पेक्ट करना बनता है। मैंने आज तक कभी प्राइवेट सिमेट्री नहीं देखा है, बट है ये इतना बड़ा सा, और यहाँ पे किसी को दफन भी किया जा रहा था, तो मेरे को लगा चलो यार छोड़ो सब, हम लोग निकलते हैं सरकारी पब्लिक से देखते हैं। बाकी इधर पूरा खेत है, ऐसे अपने यहाँ भी रोड साइड के बगल में खेत रहता है, पूरे दुनिया में भी रोड साइड के बगल में खेत ही खेत है, कहीं भी चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, या फिर अमेरिकाज में आ जाओ, खेती बाड़ी के बिना नहीं चलेगी दुनिया। और ये है चैनचैन के रुइंस, जो कि एक 1500 साल पुराना साम्राज्य था जहाँ पे लोग रहते थे, बट बाद में इनका इनको हटा दिया और फिर स्पेनिश ने आके इनको पूरा मिटा दिया। जी हाँ, अभी आया सेम आइडे, अभी लग रहा है कि हाँ क्या चीज़ के साथ मैच कर रहा है, ये लग रहा है एकदम हम इंडिया में ऐसे ईंट के फैक्ट्री है। अपने उधर वेस्ट बंगाल साइड में मेरे टाउन से निकलो तो बाहर बहुत ईंट के फैक्ट्री दिख जाते हैं, ऐसा रहता है ईंट का फैक्ट्री, ऐसे एकदम खंडर जैसा, आप चलते हो अंदर से बहुत जगह पर ईंट मिलेंगे और बीच में एक बड़ा चिमनी, चिमनी से धुआं निकलता रहता है, ईंट फैक्ट्री ऐसा लग रहा है ये एकदम। और ये है यहाँ का प्लाजा दे अरमास, बहुत ही रंगीला, बहुत ही खूबसूरत है, और ये इतने ही कलरफुल कलर ड्रेसिंग सब, ब्लू योलो रेड, एकदम लग रहा है मेक्सिको में एक शहर था कैंपचे, उसमें मैं गया था, एकदम कैंपचे जैसा लग रहा है मेक्सिको वाला। और मेरा फेवरेट कलर का बस है रेड बस, और ये लाल बस लेके मैं जा रहा हूँ फ्रॉम त्रुहियो टू वोरास। 40 साल का बस था, मैंने 800 रुपये का और पूरा दिन लगा दिया, पहुँच गया अभी 7 बजे वोरास में, अभी तो उतना ठंड नहीं लग रहा, बाद में देखते हैं। और उसके बाद पार्टी के बाद सुबह हम लोग उठ गए, बहुत मज़ा आया सैटरडे नाइट, आज भी शायद जाऊँगा पार्टी करने, बट मेन रीज़न हॉरर्स माने का है,
ये देखो सूरज पूरे लीमा कोस्टल साइड में बादलों से ढका हुआ है, पहाड़ों में आके सूरज है। और मैंने आइसक्रीम ले लिया यहाँ पे 50 रुपये का ये आइसक्रीम। और यहाँ पे बहुत से टूर्स हैं, शायद एक दो करूँगा आप लोग को दिखाऊँगा, बने रहो। उधर एक दुकान पे मस्त मैंने लंच कर लिया 600 में, यानी कि 120 रुपये में, सूप चावल बीन्स और चिकन के साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग पे, हॉट स्प्रिंग पे चिल करने, बॉडी को आराम देने। यहाँ से बस आएगी हम लोग को बस लेना पड़ेगा मोन्तरे जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। ये लास्ट स्पॉट और 200 यानी कि 40 रुपये का वो शटल लेके हम लोग आ गए मोन्तरे के हाथ बात पे। हेलो कौन तो 100 यानी कि 200 रुपये, 200 रुपये दे दिया है हॉट थर्मल्स के लिए। और हॉट थर्मल्स में मज़ा आता है ठंड जब बाहर हो, पर आज तो बाहर भी गर्म है, देखते हैं कितना मज़ा आता है। तो ये हॉट स्प्रिंग है, आप लोग को यार पानी करना कितना लाल लाल गंदा क्यों है, क्योंकि ये सल्फर की वजह से है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग है, इसमें सल्फर रहता है, इस वजह से पानी ऐसा रंग है, गंदा नहीं है, लग तो रहा है मिट्टी का पानी पर सल्फर है ये। हम लोग मेरा गोप्रो खो गया यार, गोप्रो ख़राब हो गया, वरना पानी के कुछ भी एक्टिविटीज आप लोग नहीं दिखा पा रहा हूँगा। तो गिफ्ट कर दो यार गोप्रो, वोप्रो अच्छा लगेगा। वो बन हो गया, वहाँ का जो पानी था एकदम भी गर्म नहीं था, ठंडा हो गया, अजीब भी हॉट स्प्रिंग है, नेचुरल पानी को छोड़ कर रखते हैं, फ्लो नहीं होता है। तो मैंने बोला यार मेरे को रिफंड दो, मेरे को नहीं चाहिए। मैं बोला नहीं सर आप टेंशन मत लो, आपके लिए स्पेशल है प्राइवेट हॉट बाथ टब नेचुरल पानी के साथ, और ये गर्म है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, पानी बहुत गर्म है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बस चिल के जाओ तो मेरा पहले दो वैक्सीन के लिए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गए, मैंने अगस्त में लिया था, आज है जुलाई, और अभी मैं अपना तीसरा वैक्सीन ले रहा हूँ पेरू में, फाइजर ले रहा हूँ। पहला दो था एस्ट्राजेनिका, पहला मैंने लिया था इंडिया में अपना कोविशील्ड, अकी फिर मैं पहला मैंने कोविशील्ड लिया था, और फिर मैंने आर्मेनिया में लिया था एस्ट्राजेनिका, और अभी लेने वाला हूँ यहाँ पे फाइजर वैक्सीन ले लिया, फाइजर एकदम भी दर्द नहीं हुआ। और ये लोग सर्टिफिकेट भेज देंगे मेरे को, मेरा जो पहला सर्टिफिकेट है वो भी पीडीएफ वाला है, सेकंड भी आर्मेनिया का पीडीएफ वाला है, और ये भी थर्ड वाला पीडीएफ वाला आ जाएगा 3-4 दिन में, क्योंकि 1 साल हो गया है, तो ठीक है ले लो आप लोग भी थर्ड फोर्थ जो मन। अभी रात होगी तो धीरे धीरे ठंड आना शुरू होगा, क्योंकि आज हवा दे रहा है, कल हवा नहीं था, कल जब मैं आया था हवा नहीं था, और वैक्सीन लिया तो थोड़ा सर्वर चकरा रहा है, आज लगता है रूम पे रहना पड़ेगा। बाकी ये कैथेड्रल है अंडर कंस्ट्रक्शन, बने जा रहा है। और यहाँ का प्लाजा द अरमास, हर शहर जैसा यहाँ पे भी प्लाजा द अरमास है, पेरू में ऐसा ही है। इधर भी लामा लेके खड़े हैं पीछे, जाऊंगा फ़ोटो लेने, बोलेगा फ़ोटो लो और पैसे दो, ऐसा सीन है, पैसे के बिना दुनिया मुश्किल है, पैसा। कल वैक्सीन लेने के बाद हालत ख़राब है, ज़्यादा ख़राब नहीं थोड़ा ख़राब है, हाथ में दर्द है, हाथ हिला नहीं पा रहा मैं, और थोड़ा तो सर दर्द है, थोड़ा बुखार रहता है, आज को एक्टिविटी नहीं कर रहा। आज गया हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में सारा दर जाता नहीं, मैंने 1 साल ऊपर हो गए ट्रैवलिंग के, इस पूरे 1 साल में मैं सिर्फ 2 बार इंडियन रेस्टोरेंट गया हूँ, एक बार मेदिजीन में बीमार था तब गया था, ट्रैवलिंग पेड़ में आ गया हूँ, क्यों, क्योंकि आज तक मैंने सबसे सस्ता इंडियन रेस्टोरेंट ये दिखाया। देखो मेनू 1500 में खाना मिल रहा है, ये सारे आइटम
1500 रुपये में, तो 300 रुपये में तो सही प्राइस है, बहुत बढ़िया प्राइस है। तो अपने संतरे का जूस आ गया, इत्तू सा चावल और चिकन कोरमा और रोटी, रोटी बहुत ही बेकार है, खाते हैं। मैंने बोला इसको तीखा बनाओ, तीखा नींबू प्याज सब लगा के फटाफट खा लिया। तो ये वॉल्केनो का गर्म पानी है, 70 डिग्री, उतना गर्म नहीं है पर बाहर क्योंकि गर्म है 70 डिग्री ठीक है। और फिर ये पानी यहाँ पे आता है और यहाँ पे नेचुरल सोना बनाया गया है। हम लोग वारस के पास ही आ गए हैं बस लेके, सिर्फ 200 रुपये का टिकट था और यह पहला का एक्सपीरियंस होने वाला है। घुसने के पहले सब प्रेशर लिया, अपने प्रेशर चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, हार्ट बीट चेक किया, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन चेक किया, बहुत कुछ चेक किया। ये सब चेक करने में इंडिया में 200 रुपये लग जाते हैं, यहाँ पे तो फ्री में कर लिया। जा चुका हूँ हॉट स्प्रिंग में, बट ये हॉट स्प्रिंग नहीं है, एक नेचुरल सोना है। मैं सोना में पहले गया था बुदापेस्ट में, हंगरी में, उसका वीडियो है, मैं शायद लिंक कर दूंगा, वो अलग एक्सपीरियंस था बट वो थोड़ा आर्टिफिशियल था। यहाँ पे ये वो भी नेचुरल है बट वो डिफरेंट है, वो मिट्टी नहीं करता। यहाँ पे वॉल्केनो का पत्थर है, आप सोच नहीं सकते इसको खोलने के बाद क्या दिखेगा। इसको खोलने के बाद दिखता है पूरा गुफा, आप देख सकते हो धुआं निकल रहा है, पूरा स्क्रीन ढक चुका है, पूरा पत्थरी गुफा है। और गुफा में आप इधर बैठोगे और पूरा बॉडी 54 डिग्रीज में गर्म हो जाएगा, पूरा बॉडी से वो निकलेगा स्वेट निकलेगा। फिर गर्म करने के बाद सारे शरीर के जो भी है आपके गर्म चीज़ें, कैमरा ख़राब हो जाएगा मेरा यार, जो भी गर्म शरीर से सारे कीटाणु निकल जाएंगे, सारे बहुत स्वेट निकलेगा। और फिर उधर ठंडा पानी है, ठंडा पानी में आप नहा के फिर जाओगे। अभी मैं राउंड टू के लिए जाऊँगा, कैमरा अंदर नहीं रह सकता और बहुत ही डार्क है। पूरा गुफा है, गुफा का पत्थर गर्म है, ये वॉल्केनो का पत्थर है और गर्म से हीट आ रहा है पूरा बॉडी। मैं नंगा होकर जा रहा हूँ क्योंकि कपड़े पहन के जाना अलाउड नहीं, मतलब अलाउड है, रिकमेंडेड नहीं है। पूरा बॉडी गर्म हो जाता है और बॉडी से स्वेट निकलता है। What's the name of the what? नेवादो वस्करण नाम है उस पहाड़ का, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ही सुंदर है और 6,500 मीटर के ऊपर है हाइट। मतलब यहाँ पे पेड़ों में बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, बहुत ऊँचे ऊँचे 6,000-5,000 तो यहाँ पे कुछ ही नहीं है। स्वागत है लीमा पेरू में आखिरी बार के लिए, यह है अपना पेरू का आखिरी ब्लॉग, क्योंकि आज है, अब पता नहीं डेट क्या है पर आज है मेरा पेरू में आखिरी दिन और आखिरी रात। अभी रात के बज रहे 10:30 और हम लोग कल चले जाएंगे ये देश छोड़ के। फाइनली 70 दिन रह लिया पेरू में, तो लीमा को कहते हैं बाय बाय फाइनली। और ये है अगले दिन, यानी कि आखिरी दिन 29th of July। हम लोग दोपहर के 12 ऑलमोस्ट 1 बज गए और मैं लेट हो चुका हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए, फ्लाइट है 4:30 बजे की। चार 25 को फ्लाइट है, 2:05 बज के अभी तक एयरपोर्ट नहीं पहुँचा, 2 घंटा 10 मिनट बाकी है, फट रही है मेरी। टाइम कितना हुआ है, 2:15, तो 1 घंटा 10 मिनट बाकी है फ्लाइट को एयरपोर्ट। तो भाई 2:20 बज गए, अभी भी सिर्फ 2 घंटा बाकी है। कहाँ जा रहा हूँ मैं, फाइनली पेरू छोड़ के जा रहा हूँ पनामा। और पनामा ये वाला फ्लाइट बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन पनामा नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन है कोलंबिया बोगोता। मेरी कोलंबिया बोगोता भी नहीं है, फिर से मैं जाने वाला हूँ पनामा और फिर से मेरा एक्चुअल फाइनल डेस्टिनेशन 4 फ्लाइट के बाद होने वाला है डोमिनिकन रिपब्लिक। जी हाँ, मेरी कंट्री नंबर 54 होने वाला है डोमिनिकन रिपब्लिक, अगर मैं टाइम से सब कुछ कर पाऊँ तो।